कीप अप द प्रेशर, कीप अप इसका मतलब होता है जारी रखना किसी चीज को, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, प्रेशर यानी दबाव, तो इसका मतलब हुआ कीप अप द प्रेशर मतलब दबाव बनाए रखना। अब यहां पर किस पर दबाव बनाए रखने की बात की जा रही है? एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, पूरा की पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसे पाकिस्तान पर जो है दबाव बनाए रखना चाहिए। किस चीज़ के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना चाहिए? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी संगठन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा हो। इस संबंध में एडिटोरियल लिखता है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सारे देश हैं उनको क्या करना चाहिए, मस्ट जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, उन्हें कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यू टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट ऑन टेररिज्म। अब देखो इसको देखना, होल्ड समवन टू अकाउंट क्या मतलब होता है इसका, होल्ड समवन टू अकाउंट इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराना, उस व्यक्ति से एक्सप्लेनेशन मांगना ऑन टेररिज्म। तो यही एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि सब आतंकवाद के मसले पर, आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वे जो है पाकिस्तान को जो है एक तरीके से पाकिस्तान से जो है एक्सप्लेनेशन मांगते रहें, है ना, उसे जवाब मांगे, उसे आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उससे जो है एक्सप्लेनेशन मांगे। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है यहाँ पे, इसीलिए टाइटल दिया गया है कि कीप अप द प्रेशर, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना चाहिए, उससे जवाब मांगा जाना चाहिए, हिसाब किताब मांगा जाना चाहिए आतंकवाद को लेकर। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या लिखता है कि द डिसीजन बाय ग्लोबल वॉच डॉग, द डिसीजन फैसला जो कि किसके द्वारा लिया गया है, वैश्विक ग्लोबल वॉचडॉग, वॉचडॉग का मतलब है एक तरीके से प्रहरी, एक तरीके से आप कह सकते हो पहरेदार, निगरानी करने वाला है ना। अब वॉचडॉग कौन है यहाँ पे, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये एक एजेंसी है। इसका क्या काम है FATF का, FATF जो है यह देखता है कि साहब किसी भी आतंकवादी संगठन की किसके द्वारा फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है। भाई ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन या फिर कोई देश जो है किसी आतंकवादी समूह की, आतंकवादी संगठन की वित्तीय रूप से मदद कर रहा है, तो ये देखना किसका काम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वॉचडॉग बोलते हैं ना। तो ये देखता है एट इट्स प्लेनरी इन पेरिस। प्लेनरी क्या मतलब होता है इस प्लेनरी का, इसका मतलब होता है कोई भी एक मीटिंग, एक मीटिंग जिसमें कि जो भी लोग हैं सारे के सारे लोग भाग ले हैं ना, उसको बोलते हैं प्लेनरी। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि FATF की जो है मीटिंग हुई पेरिस में, और उस मीटिंग में क्या हुआ, FATF ने जो है निर्णय लिया, है ना, उसके लिए एडिटोरियल कहता है एट इट्स प्लेनरी इन पेरिस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह पेरिस में ये मीटिंग हुई, टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। अब देखो ये ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट का मतलब होता है किसी को शंका के दायरे में रखना, है ना, किसी पर क्या करना, शक बनाए रखना, है ना, ग्रे लिस्ट। तो टू कीप पाकिस्तान, तो ये जो FATF है इसने पिछले सप्ताह जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इसने फैसला लिया कि साहब हमें क्या करना है कि ये पाकिस्तान जो है इसे टू कीप पाकिस्तान, कीप मतलब रखना, टू कीप पाकिस्तान ऑन, कहाँ पे रखा हुआ है इसने पाकिस्तान को, ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट का मतलब है पाकिस्तान को जो है शक के दायरे में रखा हुआ है, फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना मतलब किसी की निगरानी करना। इट्स रिकॉर्ड अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग वाज नो सरप्राइज। तो एडिटोरियल कहता है कि साहब इस बात, ये कोई आश्चर्य नहीं था कि ये जो फैसला FATF ने लिया कि साहब पाकिस्तान को उसने ग्रे लिस्ट में जो है बनाए रखा है ना फॉर मॉनिटरिंग, कि भाई हम जो है पाकिस्तान की अभी निगरानी करते रहेंगे, फॉर इट्स रिकॉर्ड अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ना उस रिकॉर्ड को देखते हुए ना, पाकिस्तान का कैसा रिकॉर्ड है कि ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवाद को जो है फाइनेंस उपलब्ध कराता है, यानी कि उनको जो है पैसा उपलब्ध कराता है। तो इस तरह का रिकॉर्ड देखते हुए ये जो डिसीजन लिया गया है ना FATF के द्वारा कि पाकिस्तान को शक के दायरे में रखा गया है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो यह जो निर्णय था है ना, तो ये जो डिसीजन था वाज नो सरप्राइज, ये डिसीजन जो था ये किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं था, है ना, ठीक था। वाइल जबकि द पाकिस्तान गवर्नमेंट, कि भाई पाकिस्तान की जो सरकार हैज़ येट टू कम्प्लीट द 27 पॉइंट एक्शन प्लान इट वॉज गिवन इन जून 2018। देखो क्या हुआ था कि जून 2018 में ये जो FATF है इसने क्या कहा था, 27 पॉइंट है ना, कुछ 27 बातें बताई थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ये कहा था कि साहब आप इन 27 पॉइंट्स को, इन 27 बातों को जो है आप अगर पूरा करते हो तब हम क्या करेंगे, आपको जो है इस ग्रे लिस्ट से जो है बाहर निकाल देंगे। तो पाकिस्तान ने अभी ये जो 27 पॉइंट दिए गए थे ना पाकिस्तान को FATF के द्वारा,
अभी तक पाकिस्तान ने उन पूरे की पूरे बिंदुओं पर काम नहीं किया है। अभी पाकिस्तान को उन सारे की सारे बिंदुओं पर एक्शन लेना है, येट टू मतलब अभी करना है। वाइल द पाकिस्तान गवर्नर की पाकिस्तान सरकार जो हैज़ येट टू, पाकिस्तान सरकार को अभी करना है क्या, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। क्या पूरा करना है? ये 27 बातें, ये 27 पॉइंट एक्शन प्लान इट वॉज गिवन, जो कि इसको बताए गए थे कब, जून 2018 में। इट हैज़ अकॉर्डिंग टू द FATF, है ना, पाकिस्तान अभी तक क्या कर चुका है, इट हैज़ मतलब अभी तक कर चुका है, अकॉर्डिंग टू द FATF के अनुसार पाकिस्तान अभी तक क्या कर चुका है, मेड सम प्रोग्रेस, भाई कुछ प्रोग्रेस की है। FATF का कहना है कि हमने जून 2018 में पाकिस्तान को 27 पॉइंट बताए थे अमल करने के लिए और उन पर पाकिस्तान ने क्या कुछ हद तक प्रोग्रेस की है, मेड सम प्रोग्रेस। आगे देखते हैं डिटेल्स क्या कहता है कि एज ए रिजल्ट द 39 मेंबर ग्रुप दैट इंक्लूड्स इंडिया डिसाइडेड। तो ये जो FATF है, कितने ग्रुप, कितने लोग हैं इसमें, 39 मेंबर ग्रुप हैं, 39 सदस्य हैं इसके, दैट इंक्लूड्स, जिसमें इंडिया भी शामिल है, डिसाइडेड, तो इसने क्या किया, निर्णय लिया टू एक्सटेंड पाकिस्तान सेप्टेम्बर 2019 डेडलाइन अंटिल जून 2020। अब देखो भाई FATF ने क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में कि ठीक है हमने इसे 27 पॉइंट दिए थे कि भाई आप ये 27 पॉइंट रहे आपको और इन 27 पॉइंट से आप काम करो और जल्दी से प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करो। अब FATF का कहना है कि भाई पाकिस्तान ने कुछ हद तक जो है प्रोग्रेस की है, है ना। अब आगे देखते हैं, एज ए रिजल्ट द 39 मेंबर ग्रुप दैट इंक्लूड्स इंडिया डिसाइडेड। तो अब इस FATF ने, जिसमें 39 सदस्य शामिल हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इसने ये निर्णय लिया है टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब और बढ़ा देना, है ना, किसी अवधि को और बढ़ा देना, है ना, और विस्तारित कर देना, टू एक्सटेंड पाकिस्तान सेप्टेम्बर 2019। तो FATF ने क्या कहा था, पाकिस्तान को जो समय सीमा निर्धारित की थी ना, डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है एक तरीके से टाइम निर्धारित कर देना कि साहब इससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए। तो सेप्टेम्बर 2019 तक FATF ने पाकिस्तान को कहा था कि इन 27 पॉइंट्स पर आपको एक्शन ले लेना है, तो उस डेडलाइन को, उस समय सीमा को जो है बढ़ा दिया है, कब तक, अनटिल कब तक, जून 2020 तक। यानी कि यह जो समय सीमा पाकिस्तान के लिए निर्धारित की गई थी सितंबर 2019 की, इसको जो है कहाँ तक बढ़ा दिया, जून 2020 तक, है ना। अब FATF का कहना है कि सही साहब हमने जो भी पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पाकिस्तान कब तक पूरा कर दे, जून 2020 तक। आगे देखते हैं कि एक्शंस पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, एक्शंस कि जो काम पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू कैरी आउट, कि अभी भी वे काम जिनको कि पाकिस्तान को अंजाम देने की ज़रूरत है, अभी भी जिन कामों को पाकिस्तान को अंजाम देना है, इंक्लूड, उन कामों में कौन कौन से काम शामिल है, टाइटनिंग सिक्योरिटी कि साहब ये जो रक्षा के जो बंदोबस्त हैं ना उनको और मुस्तैद किया जाए, एंड बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस, और बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस और क्या किए जाए, ये जो बैंक से संबंधित हैं इन प्रतिबंधों को और जो है और बढ़ाया जाए, टू ब्लॉक ताकि रोका जा सके, टू ब्लॉक लूप होल, लूप होल का मतलब क्या होता है, लूप होल का मतलब होता है त्रुटि, कमी या फिर दोष, है ना, टू ब्लॉक लूप होल्स थ्रू विच डेजिग्नेटेड ग्रुप्स, डेजिग्नेटेड मतलब नामित कुछ ग्रुप्स जो हैं इंक्लूडिंग द तालिबान, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, एक्सेस फंडिंग, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच होना, फंडिंग कि भाई ये सारे के सारे जो आतंकवादी संगठन हैं इनको जो है फंडिंग, इनको जो पैसा मिलता है ना, तो उस पैसे की पहुंच को ब्लॉक करने के लिए, है ना, उस पैसे की पहुंच को रोकने के लिए, है ना, जो भी लूप होल हैं, जो भी कमियां हैं उनको भरने के लिए, है ना, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान को सुरक्षा को टाइट करना चाहिए और बैंक से संबंधित जो प्रतिबंध है ना उनको और जो है रेस्ट, उनको और जो है कठोर बनाना चाहिए पाकिस्तान को। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाहता है कि साहब कि बहुत ही आसानी से ये जो आतंकवादी संगठन है ये क्या करते हैं, फंड प्राप्त कर लेते हैं, पैसा प्राप्त कर लेते हैं, तो पैसे की पहुंच को रोकने के लिए, आतंकवादी संगठनों तक पैसे की पहुंच को रोकने के लिए पाकिस्तान को सुरक्षा और बैंक से संबंधित जो इंतजाम है ना उनको मजबूत करना चाहिए। आगे देखते हैं डिटेल क्या कहता है कि इट ऑल्सो कॉल्स ऑन और क्या मांग की गई है साहब, इट ऑल्सो कॉल्स ऑन पाकिस्तान टू बिगिन प्रोसिक्यूशन, कि साहब एक मांग यह भी की गई है ना पाकिस्तान से, टू बिगिन कि पाकिस्तान जो है शुरुआत करे, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा चलाना, अभियोग, किन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान मुकदमा चलाए, अगेंस्ट किन के खिलाफ, टेररिस्ट आतंकवादियों के खिलाफ, एंड सैंक्शन एंटाइटीज, सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, एंटाइटीज, एंटाइटीज मतलब कोई भी इकाई, कोई भी बॉडी दैट आर फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग का मतलब है एक तरीके से अवज्ञा करना,
टू इंटेंशनली नॉट ओबे अ रूल और लॉ, कि जब आप जानबूझकर किसी कानून को नहीं मानते ना, उस कानून की अवहेलना करते हो, तो उसको बोलते हैं फ्लाउट करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि साहब इस बात पाकिस्तान से ये भी मांग की गई है कि पाकिस्तान जो है अभियोग चलाए किन लोगों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और प्रतिबंध लगाए उन इकाइयों पर जो कि खुलेआम अवहेलना करती हैं, जो कि खुलेआम जो है कानून को नहीं मानती है। किस बात की अवहेलना करती है? UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स रूल्स फॉर डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई UNSC ने जिन, है ना, कुछ UNSC ने क्या कर रखा है, जिन समूहों को आतंकवादी संगठन करार दे रखा है, उन, है ना, उन आतंकवादी संगठन करार दे रखा है। और क्यों दे रखा है UNSC ने उन्हें आतंकवादी संगठन करार? कि भाई ये जो है खुलेआम UNSC के नियमों की अवहेलना करते हैं। तो पाकिस्तान से ये मांग की गई है साहब ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करो, या ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ आप मुकदमा चलाओ और उन पर प्रतिबंध लगाओ। FATF, है ना, चेयरमैन्स फाइनल कमेंट, कि भाई FATF के ये जो चेयरमैन हैं, इन्होंने, इनका जो अंतिम जो कमेंट, अंतिम जो टिप्पणी की, वो क्या कहती है उनकी अंतिम टिप्पणी, सेज पाकिस्तान मस्ट कॉम्प्ले विथ, है ना, कॉम्प्लाई विथ, इसको याद रखना, कॉम्प्लाई के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है मानना, है ना, किसी चीज़ को मानना, मतलब जरूरी है साहब, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। तो FATF के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा फाइनल रूप से कि साहब पाकिस्तान मस्ट कॉम्प्ले विथ, कि पाकिस्तान को जरूर से जरूर मानना चाहिए क्या, ऑल 27 एक्शन पॉइंट्स की, पाकिस्तान को जो भी 27 बातें कही गई हैं कि साहब ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे आप काम करो, इनको अंजाम दो। इट हैज़ क्लियर्ड अबाउट 14, है ना, इट हैज़, ऐसा कहना है, ऐसा माना जाता है कि साहब इट हैज़ क्लियर्ड अबाउट 14, कि 27 बातें जो पाकिस्तान को कही गई है ना एक्शन लेने के लिए, उनमें से पाकिस्तान ने 14 बातों पर जो है कदम उठाए हैं। इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो ये जो FATF के चेयरमैन हैं इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जरूर से जरूर जो है पालन करना चाहिए ये 27 बातें जो पाकिस्तान को बताई गई, और कितनी समय सीमा में, इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, आने वाले 4 महीनों में, और फेस फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट, या फिर चेतावनी दी है किसने, FATF के चेयरमैन ने, कि या तो पाकिस्तान आगे आने वाले 4 महीनों में पूरे की पूरे 27 एक्शन जो करने के लिए पाकिस्तान को दिए गए हैं उन्हें पूरा करे, या फिर पाकिस्तान तैयार रहे सामना करने के लिए। और फेस क्या सामना करने के लिए? वित्तीय स्ट्रिक्चर्स, क्या मतलब है इस स्ट्रिक्चर्स का? इस स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से नियंत्रण, एक तरीके की रोक, एक तरीके का प्रतिबंध, बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट। भाई ये जो FATF के चेयरमैन है इन्होंने ये कहा कि आगे आने वाले 4 महीनों में यदि पाकिस्तान पूरे की पूरे एक्शन जो कि उसे करने के लिए कहा गया है उन एक्शंस पे अगर कदम नहीं लेता है तो पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से आपने घोषित कर दिया किसी व्यक्ति को। भाई ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति शंका के दायरे में है, और ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है कोई शंका वंका नहीं है, आपने उसे ब्लैक लिस्ट में जो है शामिल कर दिया, पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया, उसे एक तरीके से दोषी ठहरा दिया, मतलब आपने, और पूरे की पूरे प्रतिबंध। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि साहब FATF के चेयरमैन ने यह कहा है कि यदि पाकिस्तान आगे आने वाले 4 महीनों में जो पॉइंट्स उसे दिए गए हैं, जो बातें उसे अमल में लाने के लिए कही गई हैं, उन पर अगर एक्शन नहीं लेता है तो पाकिस्तान जो है तैयार रहे, किस बात के लिए तैयार है, कि साहब पाकिस्तान पे पूरी तरीके से नियंत्रण लगा दिया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। ब्लैक लिस्ट में डाल देने का मतलब ये होता है साहब कि पूरा की पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है ना वो क्या करेगा, उसकी एक तरीके से उससे संबंध विच्छेद कर लेगा, मतलब, है ना, काफ़ी सारी सुविधाएं जो मिलती हैं ना एक देश को, उन काफ़ी सारी सुविधाओं से उस देश को वंचित होना पड़ सकता है ना। आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है, कि पाकिस्तान इज वन ऑफ 18 कंट्रीज ऑन द ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान इज वन ऑफ 18 कंट्रीज ऑन द ग्रे लिस्ट, कि 18 देश हैं, उन 18 देशों में से पाकिस्तान एक है जो कि अभी ग्रे लिस्ट में है। ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर ऑन द ब्लैक लिस्ट, ईरान और नॉर्थ कोरिया को किस में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट में। तो यही मतलब होता है इसका, ब्लैक लिस्ट का मतलब यदि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल गया ना तो काफ़ी सारी सुविधाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों से जुड़कर आपको प्राप्त होती हैं उनसे आप वंचित हो जाते हो, यानी कि कई देशों के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, है ना, और इस तरह के कई चीज़ें हैं जिन पर कि रोक लग जाती है, और इसके माध्यम से क्या होता है देश की अर्थव्यवस्था में जो है रुकावट आती है ना। तो यही है एडिटोरियल, यही फाइनली बात करता है कि साहब पाकिस्तान वर्तमान में जो है ग्रे लिस्ट में है, कुल 18 देश हैं ग्रे लिस्ट में, उनमें से पाकिस्तान भी एक है, और ईरान और नॉर्थ कोरिया के बारे में एडिटोरियल बताता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल है। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहना चाहता है, कि द FATF शार्प लैंग्वेज, कि साहब FATF ने जो भाषा जो प्रयोग की है वो बड़ी ही तीखी भाषा में जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी है, इज सिग्निफिकेंट, तो जिस भाषा का, जिन शब्दों का FATF ने प्रयोग किया है वो भाषा जो है महत्वपूर्ण है। येट फिर भी
अकॉर्डिंग टू द फोर्स कंसेंसस रूल्स, लेकिन फिर भी ये जो एफ ए टी एफ है ना, अकॉर्डिंग टू द फोर्स कंसेंसस रूल्स, कंसेंसस मतलब आम सहमति, सर्वसहमति, तो इस ये जो एफ ए टी एफ है इसके आम सहमति के जो नियम हैं उनके अनुसार पाकिस्तान बिलीव्स इट माइट बी एबल, पाकिस्तान को ऐसा लगता है, पाकिस्तान ऐसा विश्वास करता है कि इट माइट बी एबल, कि पाकिस्तान जो है हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। देखो मे का प्रयोग किया जाता है संभावना दिखाने के लिए, माइट का प्रयोग भी संभावना दिखाने के लिए किया जा सकता है। मे का प्रयोग करते हैं हम जब ज़्यादा संभावना दिखाना हो, और माइट का प्रयोग करते हैं जब थोड़ी कम संभावना दिखाना हो, है ना। तो पाकिस्तान ऐसा मानता है, ऐसा विश्वास करता है कि इट माइट बी एबल टू स्लिप थ्रू, स्लिप थ्रू का मतलब होता है बच जाना, है ना, खिसक जाना, स्लिप थ्रू द डेडलाइंस, कि भाई पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो समय सीमा दी गई है, जो डेडलाइन दी गई है ना, तो उस डेडलाइन को और क्या कर सकता है, उस डेडलाइन से बच सकता है पाकिस्तान, यानी कि और डेडलाइन को और खिसका सकता है आगे। इफ़ इट इज़ एबल टू इंश्योर, कि यदि पाकिस्तान ये सुनिश्चित कर लेता है, पाकिस्तान ये सुनिश्चित करने में सक्षम हो जाता है दैट थ्री कंट्रीज, की तीन देश चाइना टर्की एंड मलेशिया विच हैव प्लेस्ड सपोर्ट, विच हैव प्लेस्ड सपोर्ट वीटो एनी मूव टू ब्लैकलिस्ट इट। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है इस लाइन में, ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है, पाकिस्तान ऐसा विश्वास कर सकता है कि भाई पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यार मैं बच सकता हूँ, कैसे बच सकता हूँ, ये जो डेडलाइन मुझे दी गई ना, पाकिस्तान मानता है ऐसा कि यार ये जो डेडलाइन मुझे दी गई, इस डेडलाइन से मैं बच सकता हूँ, यदि मैं ये सुनिश्चित कर लूँ कि चाइना टर्की और मलेशिया, है ना, जिन्होंने कि विच हैव प्लेस्ड सपोर्ट, है ना, जिन्होंने कि क्या किया, एक तरीके से वादा किया है ना समर्थन देने का, वीटो एनी मूव टू ब्लैकलिस्ट इट, कि भाई ठीक है पाकिस्तान को अगर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा, तो पूरे की पूरे देश जो हैं, जो कि एफ ए टी एफ से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे उपस्थित होंगे और वोट करेंगे। अब उस वोट के दौरान यदि चाइना टर्की और मलेशिया वीटो लगा देते हैं, वीटो का मतलब होता है किसी नियम को मानने से इनकार कर देना, मना करना, है ना। तो यदि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की बात आती है और चाइना टर्की और मलेशिया कहते हैं कि नहीं साहब हम पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यार तब मैं ब्लैकलिस्ट में डाले जाने से बच सकता हूँ, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। ये एडिटोरियल जो है कहता है कि माइट बी एबल टू स्लिप थ्रू, है ना, स्लिप थ्रू मतलब बच सकता हूँ मैं। आगे देखते हैं, पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर्स, ऐसा भी प्रतीत होता है, पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर यानी प्रतीत होना, टू हैव बेनिफिटेड। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू हैव बेनिफिटेड लिखा हुआ है, टू हैव बेनिफिटेड। तो देखो हैव और बेनिफिटेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, मतलब एक्शन पूरा हो गया, है ना, कि आप मतलब हैव बेनिफिटेड मतलब फायदा ले लिया, पाकिस्तान फायदा ले लिया हुआ प्रतीत होता है। ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है, पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर, पाकिस्तान जो है प्रतीत होता है, फायदा ले लिया होता प्रतीत होता है ना, टू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम प्लेइंग ए रोल इन यूएस तालिबान टॉक्स, कि भाई ये जो यूएस तालिबान की ये जो वार्ता चल रही है, या जो यूएस तालिबान की जो वार्ता हुई, इस वार्ता से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने फ़ायदा ले लिया है। एज क्यों, एज इट सीम्स, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है द यूएस एंड इट्स अलाइज, कि भाई अमेरिका जो है और अमेरिका के सहयोगी देश जो हैं आर नॉट एनफोर्सिंग, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, है ना, आर नॉट एनफोर्सिंग मतलब पूरी दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ को लागू करना, तब हम उसके लिए प्रयोग करते हैं एनफोर्सिंग, कि भाई क्यों हमें ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका और अमेरिका से के सहयोगी राष्ट्र जो हैं आर नॉट एनफोर्सिंग द डेडलाइन टू कंप्लीट द एक्शन प्लान एज बिफोर, कि भाई अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं ना, वह जो है दबाव नहीं डाल रहे पाकिस्तान पे कि साहब ये जो डेडलाइन पाकिस्तान को दी गई थी उसको जो है पूरा करें, है ना, टू कंप्लीट द एक्शन प्लान एज बिफोर, कि भाई पहले अमेरिका और तालिबान की बात होने से पहले, अमेरिका और तालिबान की चर्चा शुरू होने से पहले जैसा दबाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा पाकिस्तान पर डाला जा रहा था, वैसा दबाव जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना, कि भाई पाकिस्तान को बार बार पहले तो क्या बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान को जो डेडलाइन दे रखी है ना उस डेडलाइन को कंप्लीट करो, जो भी एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिए थे ना 27 पॉइंट के उनको पूरा करें, है ना, तो वैसा हमें नहीं दिखाई दे रहा। ए सीनियर यूएस ऑफिशियल्स स्टेटमेंट, कि अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं, उनका स्टेटमेंट जो कि उन्होंने जनवरी में दिया, स्वागत करते हुए पाकिस्तान प्रोग्रेस, पाकिस्तान की प्रोग्रेस का, है ना, पाकिस्तान की उन्नति का, इन इट्स एफएटीएफ कमिटमेंट्स, इन इट्स एफएटीएफ कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब जो कुछ आपको पूरा करना है ना, उनको बोलते हैं कमिटमेंट, है ना, जो आपकी प्रतिबद्धताएँ हैं, जिन कामों को आपको अंजाम देना है। तो क्या हुआ,
जनवरी में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान की जो है प्रशंसा की, किस बात को लेकर प्रशंसा की, किस बात को लेकर प्रशंसा की, पाकिस्तान का स्वागत किया कि साहब पाकिस्तान ने जो है FATF ने जो बातें पाकिस्तान को बताई थी उन बातों को पूरा करने में पाकिस्तान ने जो है काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किए। इस बात के लिए क्या हुआ, अमेरिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान की जो है स्वागत किया। तो हो सकता है इस बात ने, यानी कि यह जो अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के संबंध में अच्छी बात कही, पाकिस्तान का स्वागत किया ना, तो हो सकता है स्वागत के चक्कर में मे हैव सेट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये मे इसके बाद में लिखा हुआ है और इसके बाद में लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है मे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। मे हैव ईटन यानी कि उसने शायद खाना खा लिया होगा, है ना। मे हैव सेट तो इस बात की संभावना बनती है साहब कि इस चक्कर में ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ होगा, द सेट द स्टेज, स्टेज का मतलब एक तरीके से मंच सज जाना, है ना, भूमिका तैयार हो जाना, फॉर द फाइनल प्लेनरी डिसीजन, कि भाई अभी हाल ही में प्लेनरी, प्लेनरी का मतलब मैंने आपको बताया मीटिंग, कि भाई अभी हाल ही में जो FATF की पिछले सप्ताह जो FATF की बैठक हुई, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया, तो उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन की भूमिका तैयार हो गई होगी। किसके माध्यम से तैयार हो गई होगी, कि यह जो अमेरिका के ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का स्वागत करते हुए ये जो अपना इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ना, तो हो सकता है इस बात की संभावना बनती है साहब कि इस डिसीजन के माध्यम से भूमिका तैयार हो गई होगी। किस चीज़ की भूमिका तैयार हो गई होगी, ये जो वर्तमान में FATF ने जो है डिसीजन लिया, इसके लिए ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं, जबकि द FATF चेयरमैन, जबकि द FATF चेयरमैन्स वर्डिंग वाज स्ट्रॉन्ग, कि भाई ये जो FATF के ये जो चेयरमैन हैं, इन्होंने ठीक है बड़े ही कठोर शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उनके वर्डिंग जो थे वाज स्ट्रॉन्ग, है ना, उनके शब्द जो थे वो बड़े कठोर थे, इट वाज अ रिपीटिशन ऑफ द थ्रेट, लेकिन जो भी शब्द चेयरमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ कहे वो सिर्फ एक दोहराव था, इट वाज अ रिपीटिशन ऑफ द थ्रेट, एक धमकी का दोहराव था, ही सर्वड पाकिस्तान लास्ट ईयर, भाई ऐसी ही बातें ये जो FATF के चेयरमैन हैं इन्होंने पिछले साल भी पाकिस्तान को कही थी, और बस कुछ नहीं, इस बार आप ये कह सकते हो सिर्फ कठोर शब्दों का प्रयोग किया थोड़ा सा, और बाकी वही की वही बात जो पिछले साल दोहराई, पिछले साल कही थी ना पाकिस्तान को, सिर्फ उसी बात को FATF के चेयरमैन ने दोहराया। एंड देयर इज़ अ डेंजर, और इस बात का खतरा है दैट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक कंट्री, पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश That has not sustained. Sustained का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। Punitive, punitive का मतलब होता है दंडात्मक, punitive action against thousands of designated terrorists and entities. कि भाई पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है एक ऐसा देश that has not sustained, यानी कि जिसने बरकरार नहीं रखा है, किस चीज़ को बरकरार नहीं रखा है, दंडात्मक कार्यवाही, है ना, दंडात्मक action against thousands of designated terrorists. कि भाई काफ़ी सारे आतंकवादी हैं, है ना, काफ़ी सारी इकाइयां हैं आतंकवाद से जुड़ी हुई, है ना, जिनको कि नामित किया गया है ना, हजारों लोग हैं, हजारों आतंकवादी हैं, इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने किसी भी तरह के कोई भी दंडात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा है। उस पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि वो ऐसा पाकिस्तान देश जो है विल फील इम्यूनिटी, वो क्या महसूस करेगा, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव, एक तरीके से छुटकारा, है ना, प्रोटेक्शन, या फिर एग्जम्पशन फ्रॉम समथिंग, मतलब कोई भी आपके ऊपर बाध्यता है ना, उस बाध्यता से आप छूट महसूस करो, है ना। तो पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश है जिसने कि काफ़ी सारे आतंकवादियों पर, आतंकवादी से जुड़ी हुई इकाइयों पर, है ना, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसा देश जो है अपने आप को जो है ना, अपने आप को एक तरीके से बचाव महसूस करेगा, अपने आप को छूट महसूस करेगा फ्रॉम द प्रोसेस, प्रक्रिया से। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है, द पाकिस्तानी कोर्ट्स हरिड कन्विक्शन, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो अदालत है, हरिड, हरिड का मतलब तेज़ी के साथ किया हुआ, है ना, जल्दबाजी में किया हुआ, कन्विक्शन यानी किसी को दोषी ठहराना, ऑफ लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद ऑन टेरर फाइनेंसिंग। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी ना कि भाई पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की अदालत ने लश्कर ए तैयबा का ये जो मुख्य अपराधी है, द पाकिस्तान कोर्ट, पाकिस्तान की अदालत का जल्दबाजी में जो है दोषी ठहराया जाना, किसको, लश्कर ए तैयबा के मुख्य हाफिज सईद को, किस बात के ऊपर, ऑन टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई हाफिज सईद के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि हाफिज सईद जो है आतंकवाद को जो है धन उपलब्ध कराता है ना, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, है ना, चार्जेस यानी आरोप, है ना।
जस्ट बिफोर द पेरिस मीट, कि जस्ट बिफोर द पेरिस मीट, पेरिस मीट का यहाँ पे मतलब है ये जो FATF की जो मीटिंग हुई है ना, इस मीटिंग के ठीक पहले पाकिस्तान की अदालत द्वारा हाफिज सईद के ऊपर आतंकवाद को पैसा उपलब्ध कराने के आरोप लगाते हुए उसको क्या करना, दोषी ठहराया जाना, अपियर्ड टू बी अ कमांड परफॉर्मेंस। ये क्या प्रतीत होता है, अपियर्ड टू बी अ कमांड परफॉर्मेंस। कमांड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, कमांड परफॉर्मेंस का मतलब होता है राजाज्ञा से किया जाने वाला प्रदर्शन। क्या मतलब हुआ इसका कमांड परफॉर्मेंस, देखो कमांड परफॉर्मेंस स्पेशली यूज किया जाता है, ध्यान से इंग्लिश में सुनना इसे, ए स्पेशल परफॉर्मेंस, ए स्पेशल परफॉर्मेंस दैट इज गिवन बिकॉज ए रॉयल और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैज आस्क्ड फॉर इट। कि भाई जैसे राजा कुछ कहे आपसे, कुछ काम करने के लिए कहे, तो आप क्या करो कि राजा, भाई आपको लगे कि यार राजा मांगता है, ऐसा राजा कह रहा है, तो ऐसा करो कुछ करके दिखा दो राजा को। भाई पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा था ना बार बार कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन उठाए, कुछ करे कुछ करे, तो बस है ना, जो दबाव आ रहा था उन दबाव देने वाले लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए हल्का फुल्का पाकिस्तान ने क्या किया, बस कि भाई आप ही सईद को, चलो ठीक है आप ही सईद को जो है आतंकवादी करार देते हुए और बोल देते हैं कि हाँ साहब ये देखो हमने इसको दो है इसके ऊपर मुकदमा चलाया और उसको दोषी ठहराया। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि पेरिस मीट होने वाली है, यानी कि FATF की मीटिंग होने वाली है, और FATF की मीटिंग में पाकिस्तान से काफ़ी सारे जवाब मांगे जाएंगे आतंकवाद को लेकर। तो पाकिस्तान ने क्या किया, सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए क्या किया, हाफिज सईद को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, एंड इट्स शॉकिंग, और यह काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, एंड इट्स शॉकिंग सबमिशन, और सबमिशन, सबमिशन का मतलब है सबमिट करना, किसी चीज़ को जमा करना है ना, टू द FATF दैट इट कैन नॉट ट्रेस, ट्रेस का मतलब पता लगाना, मसूद अजहर। और पाकिस्तान ने ठीक है हाफिज सईद, पाकिस्तान की अदालत ने क्या किया, ठीक है हाफिज सईद को जो है दोषी करार दिया है ना, दोषी ठहरा दिया। लेकिन यह काफ़ी शॉकिंग है कि पाकिस्तान ने क्या कहा FATF से, यह कहा साहब, पाकिस्तान ने क्या कहा कि साहब हम जो है मसूद अजहर का पता कर पाने में अक्षम है, कि मसूद अजहर कहाँ है, मस्ट बी स्क्रूटिनाइज्ड। एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान ने ये जो बात कही है ना कि मसूद अजहर का पता लगाने में हम अक्षम है, इस बात को मस्ट बी स्क्रूटिनाइज्ड, इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। स्क्रूटिनाइज्ड का मतलब होता है किसी तरह की बहुत ही बारीकी से जांच करना, फर्दर, फर्दर मतलब और आगे इस मामले की जाँच जो है बहुत बारीकी से की जानी चाहिए। ठीक है पाकिस्तान ने हाफिज सईद को दोषी ठहराया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने FATF को ये कहा कि हम जो है पता नहीं कर पा रहे साहब कि हाफिज सईद कहाँ छिपा हुआ है, तो इस बात की ठीक तरह से जांच की जानी चाहिए बाय द इंटरनेशनल बॉडी। ये जो इंटरनेशनल बॉडी जिसका कि नाम FATF है, एडिटोरियल कहता है कि FATF के द्वारा इस बात की बहुत ही अच्छी तरीके से जांच की जानी चाहिए। किस बात की, कि ये जो पाकिस्तान दावा करता है ना, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक है, कि मसूद अजहर का हम मसूद अजहर को जो है ट्रेस नहीं कर पा रहे, पता नहीं लगा पा रहे, जबकि पूरे विश्व जानता है कि मसूद अजहर जो है पाकिस्तान में छिपा हुआ है। तो ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो एडिटोरियल कुल मिला के ये कहना चाहता है कि साहब ये पाकिस्तान ने जो हाफिज सईद को एक तरीके से दोषी ठहरा है ना, तो हो सकता है पाकिस्तान को लगा हो कि साहब ये पेरिस मीट होने वाला है, FATF की मीटिंग होने वाली है, तो इन लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको दोषी ठहरा देते हैं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि अमंग अदर इश्यूज़, कि काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उनमें से और कौन कौन से मुद्दे हैं, अमंग अदर इश्यूज़ ऑन द एजेंडा, एजेंडा मतलब ये लिस्ट है आपकी, इस लिस्ट में ये बातें हैं और इन बातों पर आपको अंजाम देना है ना, तो उसको कहेंगे हम एजेंडा है ना। Among other issues on the agenda during US President Trump's India's visit, कि भाई ठीक है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भारत आ रहे हैं वह, तो काफ़ी सारे एजेंडा रहेंगे, काफ़ी सारी बातें रहेंगी जिनके ऊपर जो है बातचीत की जाएगी है ना, तो काफ़ी सारे मुद्दों के साथ इस बात को भी जोड़ा जाना चाहिए, इस बात को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा एडिटोरियल कहना चाह रहा है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है दैट इंडिया रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, किसी मुद्दे को उठाना है ना, कि इंडिया रेजेस द नीड टू कंटिन्यू टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट। मैंने कहा ना टू होल्ड समवन टू अकाउंट, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना, किसी व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से एक्सप्लेनेशन मांगना ऑन टेरर। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी कुछ मुद्दों में बात होगी, तो उस मुद्दों पर इस बात को भी जोड़ा जाना जरूरी है, इस बात को भी, यह भी बहुत आवश्यक है कि भारत जो है इस मुद्दे को उठाए, किस मुद्दे को उठाए, भारत इस मुद्दे को उठाए कि साहब पाकिस्तान को जो है एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाए, किस चीज़ के लिए, आतंकवाद के लिए, एंड नॉट फ्लैग इन अटेंशन जस्ट वेन द FATF प्रोसेस हैज़ बिगन टू एक्सट्रैक्ट रिजल्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब FATF जो है एक तरीके से अपने FATF आंकड़े जुटाता है ना किसी भी देश के बारे में है ना,
एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, है ना। यहाँ पे क्या निकालना, रिजल्ट्स फ्रॉम इस्लामाबाद, कि भाई FATF जो है जब पाकिस्तान से रिजल्ट निकाले, यानी कि पाकिस्तान से भाई पाकिस्तान ने आतंकवाद के ऊपर कितनी कार्रवाई की, इससे संबंधित आंकड़े जब FATF इकट्ठा करे, तो उस समय जो है भारत फ्लैग ना करे। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से मेंशन करना, किसी चीज़ को चिन्हित करना। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो मीटिंग होने जा रही है ना, इस मीटिंग के दौरान ही लोगों का ध्यान आकर्षित कराए किस ओर, कि भाई पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से आतंकवाद के लिए जो है दोषी ठहराया जाना चाहिए, उससे जो है जवाब मांगाना जाना चाहिए, है ना। एंड नॉट, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत जो है ऐसा करे कि नहीं साहब, मतलब एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत को समय रहते एक्शन लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब FATF अपने आंकड़े इकट्ठे करेगा ना पाकिस्तान से, उसी समय जो है भारत ध्यान दिलाए, है ना। तो ये नहीं, इस चीज़ से बचना चाहिए। एंड नॉट फ्लैग इट अटेंशन, और भारत ध्यान तब न दिलाए, अटेंशन मतलब ध्यान जो है तब न दिलाए, जस्ट वेन, कब, द FATF प्रोसेस हैज़ बिगन, कि जब FATF अपनी प्रोसेस शुरुआत कर दे। किस बात की प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इस्लामाबाद, कि पाकिस्तान से जब FATF आतंकवाद से संबंधित आंकड़े इकट्ठा चालू कर दे, उस समय यदि पाकिस्तान लोगों का ध्यान आकर्षित कराता है पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद की ओर ना, तब उसका कुछ मतलब नहीं होगा। अभी ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो इस मुद्दे को अगर उठाया जाएगा तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये बात आएगी, ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कोई किसकी वॉकअप देख लेते हैं, सारी वॉकअप हम पढ़ चुके हैं। कीपअप, कीपअप का मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना, है ना, किसी चीज़ को बरकरार रखना, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, होल्ड समवन टू अकाउंट, है ना, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। टू मेक समवन एक्सप्लेन पब्लिकली, भाई किसी चीज़ को आप सार्वजनिक, किसी व्यक्ति को, है ना, या फिर किसी समूह को या फिर किसी देश को सार्वजनिक रूप से आप जो है ये कहो कि साहब आप एक्सप्लेन करो आपने जो किया है ना, ऐसा क्यों किया आपने, मानो कोई आपने गलत काम किया तो उसको एक्सप्लेन करो क्यों किया आपने। टू मेक समवन एक्सप्लेन पब्लिकली वाई दे मेड ए मिस्टेक और कमिटेड ए क्राइम, कि आपने अगर कोई अपराध किया या कोई गलती की तो क्यों की, इसका कारण बताओ साहब, है ना, स्पेशली सो दैट दे कैन बी क्रिटिसाइज और पनिश्ड फॉर इट, है ना। प्लीनरी, इसका मतलब होता है मीटिंग, है ना, ए मीटिंग अटेंडेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स एट अ कॉन्फ्रेंस। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है किसी को शक के दायरे में रखना। इसके बाद है फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब है खुलेआम बात को मानने से इनकार कर देना, किसी नियम की अवहेलना करना। टू इंटेंशनली नॉट ओबे अ रूल, है ना, जानबूझकर जो है किसी नियम को ना मानना, उसको बोलते हैं फ्लाउट करना। स्ट्रिक्चर यानी नियंत्रण, कंसेंसस यानी ए जनरल एग्रीमेंट, एक आम सहमति, वीटो मतलब एक तरीके से मना करना, है ना। सस्टेन मतलब जारी रखना, इम्यूनिटी यानी बचाव, एक तरीके से छुटकारा। इसके बाद है कमांड परफॉर्मेंस, है ना, कमांड परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना, है ना, ध्यान रखना कमांड परफॉर्मेंस, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था एडिटोरियल पढ़ने के दौरान भी। कमांड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि राजा को खुश करने के लिए किया जाने वाला प्रदर्शन, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को पता था कि FATF की पेरिस में मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में मुझसे आतंकवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस चक्कर में पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो लश्करे तैयबा का वो जो लश्करे तैयबा का चीफ है ना, हाफिज सईद, उसको क्या किया पाकिस्तान ने जो है एक तरीके से दोषी ठहरा दिया पाकिस्तान की अदालत ने। और फिर पाकिस्तान ने ये बोल दिया कि ठीक है साहब, हमने इसे दोषी तो ठहरा दिया लेकिन हम इसका पता नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से क्या होंगे, राजा यानी कि राजा जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है ना वो खुश हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।